हेलो वेलकम गाइज, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AndroWide। और गाइज, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको Xiaomi Mi A1 डिवाइस के नए OTA अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइज, क्या आप जानना चाहते हैं कि ये Android 8.1 है या नहीं, और क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या ये अप्रैल का सिक्योरिटी पैच अपडेट है? तो अगर आपको इन सवालों के जवाब चाहिए तो ये वीडियो एंड तक देखते रहिए और मैं आपको आज यही सब बताने वाला हूँ। तो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा अपने सब्सक्राइबर भाई जो कि हमारे दोस्त हैं बख्तियार अफजल भाई धनबाद से। तो उन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी कि भैया अपडेट आ चुका है, आप देख लो, चेक कर लो। तो मैंने उसी टाइम चेक किया, अदरवाइज मैं चेक ही नहीं करता क्योंकि मैं ऑफिस में था, तो उस टाइम मैं चेक नहीं करता कि भैया ओटीए आया है नहीं है। तो उन्होंने जैसे बताया तो मैंने उसके बाद तुरंत चेक किया कि भैया अपडेट आया है क्या। तो मैंने चेक किया तो पाया कि हाँ भाई, मुझे 440 MB का एक ओटीए अपडेट मिला है अपने Xiaomi Mi A1 डिवाइस में। तो मैंने कहा भाई देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने जब इसे चेक किया तो जो स्टेटस बार है वो बता रहा है कि भैया मार्च 2018 का सिक्योरिटी पैच अपडेट है। जब मैं इसे सिस्टम में अबाउट फोन में जाके चेक करता हूँ तो वहाँ पे दिखा रहा है कि ये अप्रैल 2018 का सिक्योरिटी पैच अपडेट विद बग फिक्सेस है। तो मैं किसकी मानूं? मैं भोला भाला सा आदमी कंफ्यूज हो गया कि भैया क्या है ये। तो ये तो एक राज ही रहेगा जब तक हमारे फोन में OTA इंस्टॉल नहीं हो जाता। तो बने रहिए हमारे साथ। और गाइस, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके डिवाइस में अभी भी अपडेट नहीं आया है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको ये अपडेट 1-2 दिन में 4 दिन में 6 दिन में 10 दिन में मिल ही जाएगा। Xiaomi इसी तरह करता है, बैचेस में रिलीज करता है और आधे बैच को दे देता है, आधे बैच को भूल जाता है, फिर अगले महीने कहीं जाके देता है। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आप कोई डेटा वेटा क्लियर मत करिएगा गूगल सर्विसेज फ्रेमवर्क का। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, OTA अपडेट आपको मिल जाएगा थोड़े टाइम के बाद। बाकी आप चेक कर सकते हैं अपनी सेटिंग में जाके, सिस्टम अपडेट में जाके चेक कर सकते हैं कि भैया अपडेट मिला या नहीं मिला। और गाइस, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे Xiaomi Mi A1 डिवाइस में गूगल कैमरा यानी पिक्सल 2 का जो पोर्ट्रेट कैमरा है वो इंस्टॉल्ड है और मेरे डिवाइस में कैमरा 2 API भी इनेबल्ड है नॉन रूटेड मेथड से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अपडेट होता या नहीं होता, और होता है तो क्या गूगल कैमरा बचा रहेगा। तो गाइस, हमने यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट कर दिया है इस OTA को। 440 MB का अपडेट है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, और यार मुझे डाउट हो रहा है कि ये 8.1 है क्या, देखते हैं। और गाइस, यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है पूरा, और इसके बाद अब ये OTA को इंस्टॉल कर रहा है। 2 स्टेप में इंस्टॉल होते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप 1 हो रहा है और उसके बाद स्टेप 2 होगा, और OTA इंस्टॉल देख सकते हैं हो चुका है। अब हमें करना है अपने डिवाइस को रीस्टार्ट, तो रीस्टार्ट करने के बाद ही पता चलेगा भैया आगे कहानी क्या है। तो गाइस, डिवाइस हमारा हो रहा है रीस्टार्ट, तो रीस्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम ले लेगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा अपडेट है। नॉर्मल जो अभी तक अपडेट्स आते थे 80-85 MB के, 89 MB के आते थे, बट यहाँ पे ये 440 MB का है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा आपको बूट होने में इस डिवाइस को। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस अपडेट हो चुका है और यहाँ पे फिनिशिंग एंड्रॉयड अपडेट लिख के आ रहा है, इसका मतलब हमारे डिवाइस में ईजिली OTA इंस्टॉल हो चुका है, ये वाला जो अभी आया है। बट गाइस, ये क्या, ओ माय गॉड, डिसअपॉइंट कर दिया भैया Xiaomi ने। यार, वीवो ने फ़ोन लॉन्च किया V9, उस पर उन्होंने एंड्रॉयड 8.1 दे दिया है, और भाई ये हमारा एंड्रॉयड 1 फ़ोन है जो कि एंड्रॉयड 8.0 पे चल रहा है अभी भी, और यहाँ पे हमें मिला है क्या, मार्च का सिक्योरिटी पैच। जी हाँ, वहाँ पे हमें अप्रैल दिखाया गया था, और ये एक तरह से अप्रैल फुल OTA कहा जाएगा OTA की हिस्ट्री में, अप्रैल फुल OTA अपडेट। तो यही OTA मिला है हमें, तो यानी कि हमें ये मार्च का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिला है, कुछ बग फिक्सेस और कुछ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट किए गए हैं जो कि Xiaomi हमेशा कहती है कि भैया यही होगा, बट हमें चेक करना होगा कि भैया इस पे आगे अभी क्या बग्स बचे हुए हैं, क्या बग्स रिजॉल्व किए हैं। तो ये तो मैं आपको चेक करके बताऊंगा अगले 1-2 दिन के बीच में, तो फ़ोन में मैं पूरी तरह से टेस्ट करूंगा और उसके बाद बताऊंगा कि भाई इस OTA के बाद क्या सही में कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ हमारे डिवाइस में या नहीं, या कुछ और बग्स को लेके आ गया हमारे डिवाइस में वापस। और गाइस, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरा गूगल कैमरा अभी भी वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गूगल कैमरा, जो गूगल पिक्सल 2 का कैमरा है, वो वर्क कर रहा है मेरे इस डिवाइस में, और कैमरा 2 API भी इनेबल्ड है, यानी कि OTA भी इंस्टॉल हो गया, गूगल कैमरा भी यूज़ कर पा रहा हूँ। इससे ज़्यादा क्या सुख चाहिए हमें, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। तो गाइज, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये OTA अपडेट सिर्फ और सिर्फ एक सिक्योरिटी पैच अपडेट है, यहाँ पे एंड्रॉइड 8.1 का अपडेट अभी भी नहीं आया है हमारे Xiaomi Mi A1 डिवाइस में, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अभी भी, और ये कुछ बग फिक्सेस और कुछ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के साथ आता है। तो गाइज, आपको अगर OTA नहीं आया है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, या फिर आप चेक कर लीजिए, अगर आपको आ गया है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, 440 MB का ये अपडेट है, दिखा दिया मैंने ऑलरेडी सब कुछ। और अगर आप जानना चाहते हैं इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट किए गए हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं आपको 1-2 दिन के अंदर वीडियो दे दूंगा उसके लिए कि क्या इंप्रूवमेंट्स हुए हैं इसमें। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को बड़ा सा लाइक दीजिए, और आपको अगर नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा ताकि लोगों को पता चले कि भैया Xiaomi Mi A1 में फिर से OTA आया है और Xiaomi Mi A1 ने अप्रैल फूल बनाया है। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसका मतलब आपने घोर पाप किया है, और आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो
थोड़े से पाप धुल जाएंगे आपके, और वीडियोस देखेंगे तो थोड़े पाप और धुल जाएंगे। ये मजाक था, कोई पाप नहीं किया, आपने बहुत अच्छा काम किया जो मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत बकवास करता हूँ। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना।